Hello everyone, this is 2nd video of exercise 5C class 8 mathematics, chapter name plane with number. So let's start the video from question number 8. Write the 9 non-repetitive digit in the circle of the triangle in such a way as to have a total of 20 on each side. आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल पे सर्कल बने हुए टोटल 9 सर्कल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको यहाँ पर फ्रॉम 1 to 9 डिजिट को फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है कि हर साइड पे जितने भी ट्राइंगल जितने भी सर्कल आ रहे हैं सबका सम 20 हो, ठीक है ना। यहाँ पे 20 है तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से इसका सलूशन करना है हम लोग को। देखिए 20 हमको क्या निकालना है, किसी भी साइड पर जो सर्कल आ रहे हैं उन सबका सम 20 मिलना है। तो ज़रा सा एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हर साइड पे 4 सर्कल है ना, तो 20 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब ये 5 है, ये 5 10 और ये 10 बनना चाहिए। ये 10 कब बनेगा, जब हम यहाँ पे 2 and 8 लगा देंगे। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा 5 और 10, ठीक है ना। अब ज़रा सा कुछ चीज़ें ध्यान से समझिएगा, एक ये तो आपकी बुक का सलूशन जैसे है उस तरीके से कर रहे हैं, एक नेक्स्ट बताएंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गए और 8 हो गए, तो 8 and 2 इन दोनों का सम हो गया 10। अभी हमारे पास इस लाइन में 10 और मिलना है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1, तो 2 + 8 = 10, 9 + 1 = 10 मीन्स ये हो गए 20, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 and 2 ऑलरेडी इस लाइन पे आ रहा है, यानी कि 5 + 2 = 7, 7 हो गया। हमें कितने की वैल्यू की और ज़रूरत है, 13 की ना। तो अब 13 कैसे मिलेगा, कोई दो ऐसे नंबर 1 to 9 के बीच में दो ऐसे नंबर ऐड कर दीजिए जिससे आपको 13 मिल जाए और जो डिजिट यहाँ पर यूज़ ना हुई हो। देखिए 13 कब कब मिलेगा, 8 and 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, बट यहाँ पर 8 आ चुका है इसलिए हम 8 का यूज़ नहीं कर सकते हैं। 9 + 4 पे भी 13 आएगा, बट 9 आ चुका है इसलिए हम 9 का यूज़ भी यहाँ नहीं कर सकते हैं। 7 and 6 को अगर हम लिखते हैं तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया और यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, ये 13 हो गए। तो अब ये कितने हो गए, देखिए 13 and 7 20 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 and 5 ये 13 है, यानी कि हमको जो बचे हुए सर्किल हैं इस दोनों का सम 7 मिलना चाहिए, बट ऐसे दो डिजिट को ऐड करके 7 आना चाहिए जो डिजिट यहाँ पर यूज़ नहीं है। तो 7 तो बहुत तरीके से मिल सकता है, 1 6 हो सकता है, बट 1 यहाँ यूज़ हो चुका है, 6 यहाँ यूज़ हो चुका है, 2 5 2 भी यूज़ हो चुका है, 5 भी यूज़ हो चुका है, तो 4 and 3 एक जगह हम 3 लिख देते हैं, एक जगह हम 4 लिख देते हैं, हमारा रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये था, ये आपकी बुक में इस तरीके से सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात। आइए एक और ऑप्शन इसी को देखते हैं कि किस तरीके से और इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया जा सकता है कि हमको रिज़ल्ट 20 मिल जाए। फिर से वही काम करेंगे हम, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 8 हो गए। देखिए ये 5 और ये 10, तो ये इतना काम हमको कर लेना है पहले से। अब बेस में अभी हमने क्या लिखा था, इससे पहले यहाँ पर बेस में हमने 1 and 9 को लिखा था ताकि हमारा 10 और 10 मिलकर 20 बन जाए। आप कोई और नंबर लिख लीजिए जिसकी हेल्प से आपको बेस में 20 मिल रहा हो। हमने 7 and 3 अगर यहाँ पे लिख लिया, या एक जगह 7 आ जाए एक जगह 3 आ जाए, तो देखिए 10 and 10 मिलकर 20 बन जाएगा। अब इस तरह के नंबर को अरेंज करिए, 5 + 2 = 7 है, यानी कि 13 यहाँ पर हमको लाना है ना। अब 13 लाने में हमने इससे पहले 7 and 6 का यूज़ किया था, बट अब 7 यहाँ पर यूज़ हो चुका है इसलिए 7 का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो 13 के लिए हम क्या कर लेंगे, 9 and 4 लिख देते हैं, 13 मिल जाएगा ना, 9 + 4 = 13। तो ये दोनों नंबर ऐसा था जो कहीं यूज़ नहीं हुआ था और इनको ऐड करके 13 मिलना था। अब इधर हमारा 7 बनाना है। अब 7 किस तरीके से बन सकता है, देखिए इससे पहले हमने 7 बनाने के लिए यहाँ पे 4 and 3 का यूज़ किया था, बट यहाँ पर 4 भी यूज़ हो चुका है और 3 भी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 and 6 का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। आप इसी तरीके से कोई और नंबर ले लीजिए जिसकी हेल्प से यहाँ पर बने, जैसे कि 8 + 2 = 10 है, अगर हम यहाँ पर 6 + 4 लिख लें तो बच्चे उसी हिसाब से यहाँ पर भी अरेंज करके हमको एक नया पैटर्न मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा यहाँ पर 6 and 4 लिख के 10 बना लीजिएगा,
तो बचे हुए नंबर को देखिएगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कोई एक आंसर नहीं, कई तरीक़े से सॉल्व किया जा सकता है, अलग अलग आंसर आपको मिल सकते हैं, बट ये ध्यान देना है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 + 8 10 कर लीजिएगा। ठीक, मतलब सम 10 आना चाहिए, आप 1 और 9 के हिसाब से कर लीजिए, 2 8 के हिसाब से कर लीजिए, वो आपकी अपनी च्वाइस है कैसे आप 10 बनाते हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द मैजिक हेक्सागन हैज़ ए टोटल ऑफ 19 हेक्सागन्स विद इन इट, ऑल सेट ऑफ 3, 4 and 5 हेक्सागन इन ए रो एड टू 38, फाइंड द मिसिंग फिगर, नो नंबर्स शुड बी रिपीटेड। आपसे कहा गया कि यहाँ पे जो हेक्सागन बना है ये टोटल कितने हेक्सागन की से मिल के बना है, टोटल 19 हेक्सागन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐड करें तो पहली लाइन में 3 हेक्सागन है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, यहाँ पे भी 3, 4, 5, 4, 3, इधर से भी ले लीजिए 3, 4, 5, 4, 3, इस तरीके से किसी भी साइड से आप काउंट करिएगा तो यही ऑर्डर है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम चाहे 3 वाली लाइन को ऐड करें, चाहे 4 वाली लाइन को ऐड करें, चाहे 5 वाली लाइन को ऐड करें, तो इसमें इस तरीके से नंबर को अरेंज करिए कि सारे नंबर को, किसी भी एक लाइन के सारे नंबर को ऐड करके 38 हमको रिजल्ट मिले, जैसे सुडोकू होता है ना, उसी तरीके से ये आपका मैजिक हेक्सागन बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कुछ नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें नंबर कौन से फिल करने हैं, 1 to 19, अगर 19 हेक्सागन है तो फ्रॉम 1 to 19 कोई भी नंबर हम किसी भी प्लेस पे फिल कर सकते हैं, बट जो नंबर गिवन है उनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, जो ब्लैंक है उसी को हम वहाँ पर कोई ना कोई नंबर हमको इंटर करना है। तो ये पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से इनका सोल्यूशन किया जाएगा। ओके, ये आपका हेक्सागन हो गया ना, जैसे फिगर बना था उस तरह से फिगर बनाने की कोशिश की है। अब ज़रा सा समझिएगा बात, आपको सम कितना चाहिए, सम चाहिए था हमें 38, मतलब किसी भी तरफ से हम ऐड करें हमको रिजल्ट 38 ही मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और 1 to 19 डिजिट हमें यूज़ करनी है, और ध्यान देना जो डिजिट यूज़ हो चुकी है उसका यूज़ हम नहीं करेंगे, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे सुडोकू के बारे में आप जानते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए, सबसे छोटा नंबर तो ये है, अगर हम 13, 15 को ऐड कर लें और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका सम 38 बनाना है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात 13 and 15 28, तो यहाँ पर 10 अगर लिख दिया जाए तो ये पूरी लाइन का सम हमारा 38 बन गया, तो एक काम तो हमारा हो गया। उसी तरीके से देखिए, ये भी लाइन आपकी 3 डिजिट की है, 3 हेक्सागन की है, तो 10 and 12 ये हो गए 22, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो ये भी 38 बना रहा है, हो गए। अब इस पर आ जाइए, इसमें ऑलरेडी 3 हेक्सागन थे जिसमें से एक आपको गिवन है, 2 मालूम है ना, 3 and 16, ये 2 मालूम हो गए, तो 16 and 3, 19, तो यहाँ पर बचे हुए नंबर क्या आना चाहिए, 19, हर तरफ से हमको सम 38 ही मिलना चाहिए, यहाँ तक की बातें हो गई। अच्छा, अब आते हैं किसी और पोजीशन पे, ज़रा सा इस पोजीशन पे लिखिएगा, यहाँ पर 3 डिजिट आपको ऑलरेडी मालूम है। अच्छा, 3 डिजिट की लाइन कौन, 3 हेक्सागन की लाइन एक ये भी बाकी है ना, इसमें अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 38 मिलेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 3 गिवन है ना, बच्चे 2 नंबर को ऐड करेंगे 3 के साथ तो 38 मिल जाना है, तो अगर हम 38 में से 3 को हटा दें तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, इनका सम 35 होना चाहिए, और 35 के साथ भी कंडीशन ये कि ऐसे 2 नंबर आएँ जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं, तो 35 तो बहुत तरीके से बन सकता है, बट हमारे पास अब 2 ही नंबर बचे, 18 and 17, तो या तो 18 आएगा या तो 17 आएगा, इस दोनों में से किसी एक में, इसमें 18 और 17 आएगा, इसी तरीके से इसमें कोई एक आ जाएगा 18 और 17 में से, ये खाली चेक करने के लिए लिख रहे हैं, अभी एक हटा देंगे एक छोड़ देंगे। अच्छा, ये सपोज़ आपको मिल गया। अच्छा, अब देखिएगा, ये वाली लाइन अगर हम 18 लेके चले तो ये लाइन हमारी कंप्लीट होती है, और अगर हम 17 लेके चलें तो भी ये लाइन कंप्लीट होती है, एक नंबर हमारे पास अभी भी यहाँ पर बच रहा है ना। और इधर देखिएगा, यहाँ पर इस लाइन में ये भी हेक्सागन लाइन है, इसमें 4 हेक्सागन है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑर्डर है, तो 13, 4, 17, 17 + 19, 36 and 2, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 2 आ जाएगा, तभी 38 बनेगा ना, ये 4 हेक्सागन की लाइन है, ये 3 की है, ये वाली 5 की है, मेरे बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी तो वो समझिएगा आप, आपकी बुक में ऑलरेडी फिगर है, आप उसमें भी बना के समझ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, हमारे पास
इसमें भी एक स्पेस बचता है, इसमें भी एक स्पेस बचता है, ये अगर हम ऐसे कंप्लीट करें तब। तो 12 प्लस 2 14। अब इस 12 एंड 2 को तो कंफर्म है कि ये दो डिजिट हमारी रहनी ही है। अगर हम यहाँ पर 18 ले लें, मान लीजिए 12 प्लस 2 14 एंड 18 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि हमारे पास 6 आ सकता है यहाँ पर किसी एक जगह। लेकिन 6 के साथ ये कंफर्म नहीं है कि 6 आएगा या 5 आएगा। अच्छा, अब इसमें जैसे देखिएगा 4 प्लस 5 9 एंड 10 19, 19 प्लस 18 अगर लिया जाएगा, 19 प्लस 18 लेने पे 37, अगर 17 लेंगे तो 35 होगा ना, 19 प्लस 7 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, बट 2 तो हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इसमें 18 आना है और इसमें 17 आना है, ये चीज़ें कंफर्म हो गई यहाँ से। ठीक, अब देखिए, अब 11 1 एंड 19, ये 4 हेक्सागन का है लाइन, 19 प्लस 1 20 एंड 11 31, तो यहाँ पे 7 कर देंगे, 38 बन गया, देखिए बनता जा रहा है ना। अच्छा, अब बचता है हमारा ये 4 डिजिट, इसमें हमको कौन कौन से नंबर फिल करने हैं। तो हम ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं कुछ डिजिट, और ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं वो आप चाहिएगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें 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 ऐड करेंगे तो 12 प्लस 4 16 हमारे पास, यानी कि 22 हमको चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए ना, दोनों डिजिट का सम 22 मिलना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से नंबर हम लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखे हैं, ठीक है, 7 8 9 ये सब नंबर हम, कौन कौन से नंबर हमारे बचे हुए हैं, 9 है 6 है, वो लिख लेते हैं पहले, जो हमारे नंबर बचे हुए हैं 9 6 8 14। अब इसमें से कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करके 22 मिलता है, तो इस दो नंबर को ऐड करेंगे तो 22 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या सम हमको बनाना है, 6 प्लस 2 18 प्लस 5 23, यानी कि यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 15। तो जाहिर सी बात 9 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो या तो यहाँ पर 9 6 आएगा या तो यहाँ पे 9 6 आएगा, और इसमें 8 या 14 में से कोई एक आएगा, 8 या 14 में से कोई एक आएगा, कौन सा आएगा अभी वो कन्फर्म हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करिए, 11 प्लस 13 इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 ना, 24 के साथ इस दोनों में से कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि हमारा 38 हो जाए। तो देखिए 8 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 24 14 38, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब ये तो कंफर्म हो गई, अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 9 मिलना चाहिए और यहाँ पर 8 आ चुका है तो इसमें 14 आना चाहिए। तो ये हेक्सागन हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है जैसे कि आपका सूडोकू को कंप्लीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको कॉपी पे कंप्लीट करना हो तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो ये इतना काम हो गया हमारा, आइए क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये सब क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, बेवजह के क्वेश्चन पूछे गए, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, नहीं प्रॉब्लम होगी तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्व है, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उसने दिया है, चूज एनी 4 डिजिट फॉर एग्जांपल 6 8 9 एंड 2, 6 8 9 एंड 2 6। अब इसने देखिए क्या किया आपसे, 6 8 9 2 6 रिपीट द फर्स्ट डिजिट एट द एंड, ये हो गए, इनका डिफरेंस निकाल दिया, इनका डिफरेंस निकाल दिया, सबका डिफरेंस निकाल दिया, फिर से उसने सबका डिफरेंस निकाल दिया, फिर से सबका डिफरेंस निकाल दिया, और डिफरेंस निकालते निकालते कहाँ पे पहुँच गए, लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है 2 2 2 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डिजिट हम लोग लिख लेते हैं 4 5 5 2, और जो फर्स्ट डिजिट है उसको लास्ट में लिख देते हैं, फिर से हम डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं, तो हमारा रिजल्ट फिर से सेम ही मिलेगा लास्ट में। तो ये पैटर्न आप भी फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये अपने से देख लीजिए, इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, अदरवाइज
हम लोग जो भी क्वेश्चन नंबर 14 थे वहाँ से डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।